बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने कोफ्तों की रेसिपी। इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले तो हमें अनियन और लहसुन चाहिए। इसमें हम पैन लेंगे, उसको स्टोव के ऊपर रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें ऑयल जाएगा और ये जो प्याज और लहसुन है ना, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो लहसुन और प्याज है ना, वो सोती हो रहा है। अच्छा, साथ ही साथ का मैंने सफ़ेद चने बॉयल कर लिए हैं। सफ़ेद चने बॉयल करने के लिए आपने रात को इसको भिगो देना है। सुबह जब उठेंगे ना, जब भी आप कुक करने लगेंगे, उसमें ना आपने वाटर ऐड करना है और इसको 35 मिनट के लिए बॉयल कर लेना। अभी हम विसल उठाएंगे, फिर देखते हैं बॉयल हुए हैं कि नहीं। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया। अभी इसकी लिड मैं बंद कर देती हूँ और इसका फ्लेम बहुत स्लो है। अब ये हो गया। अब टू टमाटो थे, अच्छा ये मैंने यूज़ किया था सुबह ना, आमलेट बनाया था, तो ये टू इस साइज़ के ना हमारे टमाटो जाएंगे। इसको मैं कट करके रख लेती हूँ और साथ ही साथ हमारा ये भी हो गया। इसको भी ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि बॉयल हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए इसको सेपरेट करके देख लिया। ये देखें, ये बॉयल हो गया और इसमें साथ था ये जमी भी बहुत है। अब मैंने एक पैन लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आयल डाला है। अब इसमें ना मैं कोफ्ते शैलो फ्राई करूँगी, ठीक है। मैं डीप फ्राई नहीं करती, इसलिए इसमें आयल भी ज़्यादा यूज़ होता है और ऐसे भी ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी से बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने स्टोव ले लिया, स्टोव ऑन कर दिया सॉरी, और इसमें आयल ऐड कर लिया। अब इसमें कोफ्ते जाएंगे, ये गर्म होगा तो। अच्छा ये देखिए, इसमें मैंने टमाटो कन्वर्ट कर दिया और अब इसको हिला के ना मैं बंद कर दूँगी, ठीक है। ये स्लो फ्लेम रहेगा। अच्छा ये देखें, अब ट्रेलर के लिए चेक करते हैं। अच्छा ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। इसको ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। अच्छा इसको आप भुलाने की जरूरत नहीं, आप मूव करेंगे ना ये खुद ही मूव हो जाएंगे। अच्छा ग्रिड को हम कवर कर देते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमारे ना जो कोफ्ते हैं कुक हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए ना इसको मैं मूव कर दूंगी, पैन को मूव करूंगी तो साथ साथ कोफ्ते भी मूव हो जाएंगे। एक दफ़ा मैं ये देखो वन साइड कुक हो गई। फोन पकड़ना पड़ेगा इसको। चलो वेजिटेबल वाला आ गया, चले मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसी कंडीशन। ये देखिए, अच्छा जब इसकी ये सिचुएशन हो जाएगी ना, तो इसमें ना हमने साल्ट डाला 1 स्पून, यू नो कि 1 स्पून मैं ऐड करती हूँ। अच्छा जी, रेड चिली डाली है और टर्मरिक पाउडर, ये सारे डाल के ना अब इसको थोड़ी देर के लिए ना फिर हम लिड को कवर कर देते हैं। अच्छा जब ये कंडीशन हो जाएगी ना, इसमें ना थोड़ा सा वाटर ऐड करके ना आपने तो ये सारा जो मसाला है ना वो आपस में ना जॉइंट हो जाए और तो मिक्स हो जाए और अच्छे से इसकी प्यारी सी शेप आ जाए। आप लिड को कवर कर देते हैं। ये देखें, कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखें, हमारे कोफ्ते कितने यमी लग रहे हैं। ये रेडी हो गए हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सो मैंने ऑफ कर दिया, जिससे इसको कवर करके आग को कूल कर लेते हैं। अच्छा इस वाले स्पून से ना एक दफ़ा ना आपने इसको ना सोचे कर लेना अच्छे से ना कि मिक्स हो जाए।
देना 1 स्पून आप गरम मसाला डाल जाएगा। देखिए जनाब मैंने इसमें गरम मसाला 1 स्पून ऐड करके मिक्स कर लिया। देखिए ना बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो गई है। इसको ना थोड़ा सा और छोटे करती हूँ मैं ना, फिर मैं इसमें आपको बता सकता हूँ। अच्छा गरम मसाला भी मेरा ना फिनिश होने वाला है, जब फिनिश होता है ना फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ। अच्छा देखिए ये कुक हो गया। अब इसमें ना ये देखिए, ये मेरी थोड़ी स्ट्रेनर है दीद वाली ना, ठीक है आपको सही नज़र आए तो। अच्छा ऐसे हमने सीड लेने हैं, ये इसमें शिफ्ट कर देने हैं सिर्फ सीड, इसका वाटर ना बाद में ऐड करेंगे। इसको ना थोड़ी देर के लिए भूनते हैं, एक ये मतलब इसमें जितने भी मसाले हैं इसके अंदर ना से रिजॉल्व हो जाएं। ओके जनाब ये हो गया। अच्छा जब आपने इसको मिक्स करना है ना थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर देना कि ये सही हो जाए। अब ना मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया और इसकी लिड को कवर कर देते हैं, इसमें बबल्स आते हैं ना, फिर मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। अब साथ में आपको एक टिप देती हूँ कि ये देखें ये ब्लैक हो गया, इसको आपने अच्छे से वॉश कैसे करना है। ये देखें ये मैंने ना काला तेल रखा हुआ है, ठीक है इसका नाम है काला तेल, ठीक है इसके अंदर खूब सारा वाटर ऐड करना है, ठीक है इसको मिक्स कर लेना। और ये देखें बॉटल है, इसके साथ ना आपने इसको करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना, फिर ये इसको क्लीन करना है तो ये बहुत ही स्वेद और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं अब ग्रीन चिली डालूंगी, उसका फ्लेवर ना इसमें इनहेंस हो जाएगा, और मैं फुल डालूंगी बस इसकी बैक रिमूव करूंगी और इसको ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ में अब मैं कोफ्ते भी इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और अब इसको आप लिड को कवर करेंगे 15 मिनट के लिए, फिर ये रेडी हो जाएगा। अच्छा गार्लिक को भी ना इसमें मैं शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा ये देखिए एक भी आपको ना ये ब्रोक हुआ हुआ नजर नहीं आएगा, इसका कलर भी वैसे ये देखिए। ओके जी यम्मी सा कोफ्ता सालन रेडी। यम्मी सा कोफ्ता सालन इज़ रेडी। तो ये देखिए जो आयल है ना ये सेपरेट हो गया, इसका मतलब है कि हमारा सालन कुक होने वाला है। स्टोव मैंने ऑफ कर दिया, देखिए ये रेडी है।